हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर थर्ड ऑफ जनवरी 2021 थाउजेंड तीन जनवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे संडे uh, का दिन है न्यूज़ आइटम्स बहुत अच्छे आते हैं आज के दिन तो हम सारे न्यूज़ आइटम्स एक एक करके देखेंगे स्टार्ट करने से पहले आपको बता दो करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिफ्टीनथ जनवरी से क्लासेस शुरू होंगी क्लासेस लगभग मई uh, तक मैं कंटिन्यू करूँगा सिलेबस आपका थोड़ा पहले हो जाएगा अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगा एक्चुअली करंट अफेयर्स का लेकिन हम फिर थोड़ा सा जूम सेशनस रख करके देखेंगे कि किस तरीके से प्रिलिम्स के प्रैक्टिस कैसे होती है थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो इस बार का रिविजन सीरीज़ है काफ़ी डिटेल्ड रहेगा तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक दिए हैं आप वहाँ से उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं ठीक है ना सो दैट विल बी रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज एंड क्लासेस जो है वो फिफ्टींथ जनवरी से जैसे कि मैंने बताया फिफ्टीन जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी एंड वो अपलोड कर दी जाएंगी क्लासेस आपकी टेम्स आई एस डॉट कॉम में तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं तो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट पहले आज के सवाल देखते हैं जिनके आंसर्स आपको करने हैं तो पहला सवाल है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अडॉप्ट हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट

एंड पॉज द वीडियो और आंसर आप करिएगा अपनी तरफ से ठीक है ना अपनी तरफ से आंसर करने की कोशिश करिएगा नाउ लेट मी टेल यू द आंसर आंसर जो इसका होगा करेक्ट वो होगा सी बोथ वन एंड टू क्योंकि पहला जो भी है वो भी राइट है मॉन्यूमेंट मित्रास बनाने के लिए इनकरेज करता है दूसरा भी करेक्ट है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कल्चर और आर्क्योलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया का ही कोलैबोरेशन है सो दैट इज अनदर करेक्ट आंसर ऑप्शन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर टू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिया आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत स्टेटमेंट वन कह रहा है इट इज ग्लोबली रिकगनाइज वॉल्यूंटरी इको लेबल अकॉर्डेड बाय द यूनेस्को बेस्ड ऑन थर्टी थ्री स्ट्रिंजेंट क्राइटेरियाज तो पहला स्टेटमेंट आपने देख लिया दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव द ब्लू ब्लैक सर्टिफिकेशन फॉर एट बीचेस इन अ सिंगल अटेम्प्ट तो ये इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है वन ओनली टू ओनली बोथ या नन थिंक ऑफ द आंसर नाउ लेट मी टेल यू द आंसर इसका जो आंसर है वो होगा बी यानी कि टू ओनली क्यों क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है यूएनएसको इसको नहीं देता है डेनमार्क बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है जो कि ये प्रोवाइड कराता है ब्लू ब्लैक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन और आपका ये यूएनएसको नहीं देता है तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा दूसरा जो है वो सही है कि किंड इज द फर्स्ट कंट्री टू तो गेट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर एट बीचेज इन अ सिंगल अटैम्प वो स्टेटमेंट सही है क्वेश्चन नंबर इज थ्रीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाउ बूट्स टाउ बूट्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज एफ टाइप मेन सीक्वेंस अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी वन लाइट ईयर अवे इन द देशन ऑफ बूट्स दूसरा स्टेटमेंट है इट इज अ बाइनरी स्टार सिस्टम विद द सेकेंडरी स्टार बींग रेड डॉ तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ओनली ओनली बोथ न

यूनाइटेड किंगडम वाला पूरा रीजन मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले इसके देखो पार्ट्स क्या क्या है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है इंग्लैंड वाला पार्ट है जिसमें लंडन कैपिटल है इंग्लैंड वाला पार्ट है देन तो ये वेल्स वाला पार्ट है दिस इज द वेल्स पार्ट इंग्लैंड है उसके साथ अटैच यहाँ पे आपको मतलब उसके वेस्टर्न पार्ट में अटैच आपको वेल्स दिख रहा होगा थोड़ा सा ऊपर आएंगे इनके तो आपको दिखेगा स्कॉटलैंड यू विल सी स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड यहाँ पर आपको दिखेगा और जो आयरलैंड की बात हम करते हैं आयरलैंड वाला पार्ट पार्ट जो वो है ये है नदन आयरलैंड और ये है आयरलैंड इसको बोलते हैं ठीक है ना दिस इज नोन द नदन आयरलैंड और बेलफास्ट उसकी कैपिटल रहती है एंड देन नीचे आपको आयरलैंड है जिसकी कैपिटल डबलिन है ठीक है ना वेल्स वाले पार्ट की कार्डिफ है देन आपका इंग्लैंड वाले पार्ट की लंडन है एंड These are some of the important parts which you should remember. अब सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे आपका आ, जो important यहाँ के वाटर बॉडीज है सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज में आपको दिख रहा होगा द नॉर्थ सी यहाँ पे आपको दिख रहा हूँ ये स्कॉटलैंड वाला पार्ट था ये इंग्लैंड वाला पार्ट था ये देखो ग्लासगो में ही मैंने किया ग्लासगो बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर सारे बेसिक और ये सब होते हैं इंग्लैंड वाला पार्ट था यहाँ स्कॉटलैंड वाला पार्ट है उसके आपके ईस्टर्न साइड पे नॉर्थ सी दिख रहा होगा द नॉर्थ सी इज लोकेटेड देयर ठीक है ना नीचे आपको दो इंपॉर्टेंट चैनल्स uh, दिख रहे हैं एक इंपॉर्टेंट चैनल है इंग्लिश चैनल जो कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है और दूसरा आपका है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डोवर देर इज स्ट्रेट ऑफ डोवर एज वेल ठीक है ना जो कि इधर नॉर्थ सी आपका इधर नॉर्थ सी है और इधर आपका इंग्लिश चैनल उसके बीच में यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डोवर आ रहा है तो इसको भी याद रखेगा यहाँ पे इंग्लिश चैनल है देन तो यहाँ पे आपका स्ट्रेट ऑफ डोवर है ठीक है ना फिर यहाँ पे आयरलैंड वाला जो पार्ट है दिस इज द आयरलैंड वाला पार्ट एंड दिस इज द वेल्स वाला पार्ट यहाँ के बीच देखो सेंट जॉर्जस चैनल आ रहा है सेंट जॉर्जस चैनल आ रहा है एंड यहाँ पे नीचे वेल्स वाले पार्ट के नीचे आपका ब्रिस्टल चैनल आ रहा है इज अ ब्रिस्टल चैनल बिलो द वेल्स वाला पार्ट ठीक है देन यहाँ पे आयरलैंड का ऑब्वियस से बात है आयरलैंड का जो ईस्टर्न पार्ट है वो आयरिश सी है सॉरी आयरिश सी दैट इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द आयरलैंड एंड आपका नदन आयरलैंड ठीक है ना और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्कॉटलैंड और आपका नदन आइलैंड के बीच में नॉर्थ चैनल दर इज अ नॉर्थ चैनल बिटवीन स्कॉटलैंड एंड नदन आइलैंड तो नदन आइलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में आपका नॉर्थ चैनल भी है तो so ये भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेगा दैट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू इनको याद रखेगा और फिर इधर साइड आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है तो दैट इज़ अनदर वेरी ईजी थिंग सबसे टॉप पे एक आइलैंड ग्रुप है जिसको ऑकनी आइलैंड बोलते हैं इज ऑकनी आइलैंड विच इज इन द टॉप मोस्ट पार्ट जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना उसको ऑकनी ऑर्कनी आईलैंड बोलते हैं ठीक है ना और यहाँ पे अगर हम सारे आइलैंड ग्रुप्स को अगर जोड़ दें तो जो इस पार, पूरे पार्ट को बोलते हैं वो बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स दैट इज वन द ब्रिटिश आइल्स यहाँ पे सारे आइलैंड्स को जोड़ने पे ब्रिटिश आइल्स बनता है तो दिस इज ए इंपॉर्टेंट मैप ब्रेग्जिट भी हुआ है पूछा जा सकता है याद रखेगा मूव करते हैं थोड़ा कुछ फैक्चुअल न्यूज़ आइटम्स ऑफ द डे में और जैसा कि आप देख सकते हैं टाइम्स आई एस डॉट कॉम में पूरे नोट्स अपडेट हो हो गए हैं तो नोट्स अब अपडेट हुआ करेंगे टाइम टू टाइम है ना थोड़ा उसमें लेट हो जाता था बट नाउ द नोट्स विल भी अपडेटेड टाइम टू टाइम टाइमली अपडेटेशन होगा तो आप वहाँ से नोट्स भी पढ़ सकते हैं ठीक है ना अब स्टार्ट करते हैं देखो यहां पे पहली न्यूज जो है वो है याद रखिएगा ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया किसने रिलीज किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया रिपोर्ट अब इस रिपोर्ट में क्या पता चला सबसे पहली चीज जो पता चली है वो ये पता चली है कि जो एनपी है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है डिक्लाइन कितना कि 9.1 परसेंट था तो अभी सितंबर 2020 तक वो 7.5 परसेंट पर हो गया था 7.5 परसेंट पर आ गया था ठीक है ना दूसरी सी जो रेशियो है वो स्ट्रेंदन हुआ है सी क्या होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स होता है मतलब कि आप क्या रिस्क रिस्की जितने भी आपके लोन लोन्स हैं उसके एवज में आपके पास बैंक के अंदर कितना रिजर्व में पैसा है तो इसको बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स ठीक है Assets, ना हर लोन को एक रिस्क कैटेगरी में डाल देते तो मान लो मुझे लोन दिया अगर किसी ने तो जानता है कि यार ठीक है मिडिल क्लास आदमी है तो लोन चुका ही देगा तो उसमें बहुत कम रिस्क रहेगा <laughs> बट अगर विजय अल्ला को लोन दे दिया जानता है भाई बड़ा आदमी है यह तो पक्का घोटाला करेगा है ना तो उसके में रिस्क ज़्यादा हो गया ठीक है ना फिर कोई और गरीब हो तो उसमें तो बिल्कुल रिस्क नहीं रहता क्योंकि बैंक और ये सब क्या करते हैं गरीब और मिडिल क्लास वालों से तो निकाल ही लेते हैं पैसा लेकिन बड़े लोग से नहीं निकाल पाते तो उनके में रिस्क ज्यादा रहता है हम लोगों में रिस्क थोड़ा कम रहता है तो ऐसे ही रिस्क असाइन कर देते हैं बैंक वाले रिस्क दे देते हैं कि आई इसमें ज्यादा रिस्क है इसमें कम रिस्क है उसके हिसाब से फिर वो अपने रिजर्व में भी कुछ पैसा रखते हैं कि मान लो कल कोई डिफॉल्ट हो तो उसको मेंटेन करने का तो उसको कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स बोला जाता है ठीक है ना याद रखेगा इसको Uh, वो स्ट्रेंदन हुआ है देन पॉलिसी मेजर्स में रिजर्व बैंक आल्सो अंडर टू कैन एरे ऑफ पॉलिसी मेजर्स टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ कोविड नाइन्टीन रिजर्व बैंक ने ये भी बताया कि कोविड नाइन्टीन को दूर करने के लिए क्या क्या किया गया जैसे कि आपने मोराटोरियम देखा है है ना या फिर उसने कुछ रेगुलेटरी चीजें की है फॉर द एन बी एफ सी कोऑपरेटिव शीट ग्रोथ ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव इन 2019-20 ऑन लोअर डिपॉजिट्स एंड एंड म्यूटेड एक्सपेंशन इन क्रेडिट तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि उनका जो क्रेडिट ग्रोथ था वो बहुत कम हुआ है ना एक्सपेंशन नहीं हो पाया एंड जो उनकी एसेट क्वालिटी थी वो डिक्रीज हो गई देर वॉज एसेट क्वालिटी डिट्य

एप ठीक है ना ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड एप रिलीज किया गया है और इसमें क्या फैसिलिटेटिंग थ्री वे कम्युनिकेशन बिटवीन द इंडियन मिशन मीनिंग द एम्बेज एक्सटर्नल अफेयर एंड द इंडियन डायस्कोरा तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपका टू एक्ट एज अ डायनामिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म फॉर फैसिलिटेटिंग द थ्री वे कम्युनिकेशन थ्री वे कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए किसके किसके बीच में बिटवीन द इंडियन इंडियन मिशन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड इंडियन डायस्पोरा तो थ्री वे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा इसके थ्रू ग्लोबल uh, प्रवासी uh, रिश्ता पोर्टल याद रखेगा ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल इंडियन मिशन के बीच एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के बीच और जो इंडियन डायस्पोरा उसके बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए फ्री वैक्सीनेशन फर्स्ट फॉर थ्री करोड़ हेल्थ फ्रंट लाइन वर्कर्स तो सबसे पहले ये आपको पता है कि इंडिया ने जो वैक्सीन के लिए पॉलिसी डिवाइस है उसमें सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स हैं देन उसके बाद आपका फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं है ना तो इनका डेटा इकट्ठा होना का काम शुरू हो चुका है कोविशील्ड को पहले ही दे दिया गया था और कल अभी न्यूज आई थी कि कोवैक्सीन हैज गॉट द क्लियरेंस फॉर एमरजेंसी यूज तो इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड कोविड नाइन्टीन वैक्सीन है कोवैक्सीन बोलते हैं इसको हम भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद इंस्टीट्यूट है, हैदराबाद बेस्ड इंस्टीट्यूट है आईसीएमआर के साथ मिलकर इसको बना रहा है ठीक है ना अब इसमें याद रखेगा कि डेटा उनका भी इकट्ठा हो रहा है जो पचास साल से एज के ज़्यादा हैं एंड दोज बिलो इट को मॉर्बिटी मॉर्बिडिटीज मतलब पचास साल से ऊपर वालों का डेटा भी इकट्ठा हो रहा है और जो पचास साल से कम के हैं और जिनको को मॉर्बिडिटीज़ हैं यानी कि और बहुत सारी बीमारियाँ हैं उनका डेटा भी इकट्ठा हो रहा है ठीक है ना तो दैट इज़ अ थिंग विच यू शुड रिमेंबर हैज ऑल्सो गॉट द इमरजेंसी यूसेज अप्रूवल ये भी याद रखेगा एंड इंडिया हैज़ कल्चर्ड द न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस तो ऐसा किसी कंट्री ने अभी तक नहीं किया है कि जो नया स्ट्रेन आया है जो कि ब्रिटेन में और इन जगहों पर पाया जा रहा है जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है तो इंडिया ने उसका कल्चर कर लिया है इंडिया हैज़ कल्चर्ड द न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस ये है सक्सेसफुली सेपरेटेड दैट है ना उसको देख लिया है समझ लिया है अगली न्यूज़ और इकोनॉमी से ही जुड़ी हुई ट्रेड डेफिसिट ग्रोज टू फिफ्टीन बिलियन डॉलर इन दिसंबर तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो और बढ़ गया है देखो ट्रेड किसी भी चीज़ का डेफिसिट क्या होता है डेफिसिट मतलब कि हमारे यहाँ से बाहर देखो हमको पैसा कम मिल रहा हो और पैसा हमारा जा ज़्यादा रहा हो तो उसको हम डेफिसिट बोलते हैं अब एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा और अगर हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारा बहुत पैसा बाहर जाएगा तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि इंपोर्ट जो है दे आर ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट क्यों क्योंकि हमारा पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है और हमको प्लस में कम मिल रहा है मतलब एक्सपोर्ट में कम मिल रहा है तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कब होगा जब इम्पोर्ट इज ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट्स तो इसको याद रखेगा इम्पोर्ट इज ग्रेटर दैन एक्सपोर्ट्स और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो और ज़्यादा स्लिप किया है मार्जिनली स्लिप किया है मतलब पॉइंट दिसंबर ट्वेंटी में एंड द ट्रेड डेफिसिट हैज़ डिक्लाइन टू नियरली फिफ्टीन बिलियन डॉलर ड्यू टू द राइज इन इम्पोर्ट्स देखो मैंने बताया था ना राइज इन इम्पोर्ट्स मतलब कि इम्पोर्ट बढ़ गए हैं और एक्सपोर्ट हमारे थोड़ा सा डिक्लाइन भी हुए हैं और हमारा ट्रेड डेफिसिट इसलिए हमको बढ़ा हुआ दिख रहा है अब इसमें एफ की मीटिंग के बारे में लिया है कि एल लीडर्स हेल्ड अहेड ऑफ़ एफ मीट अब देखो यहाँ पे कुछ एल ई लश्कर ए तयबा के लीडर्स को यानी जाकिर रहमान लखवी और इन लोगों को पकड़ा गया है अहेड ऑफ़ द एफ मीट एफ मीट के पहले क्यों क्योंकि एफ एफ ने पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन किए थे कि भाई आपको जो चीज़ें बोली थी वो क्यों नहीं आपने की है तो अभी तक वो सीरियस नहीं थे दे आर अल्टीमेटली यहां पे की मीटिंग होने वाली उसके पहले सब चीजें कर रहे हैं तो इंडिया क्वेश्चनिंग वेदर दे आर सीरियस एट ऑल और नॉट दूसरी चीज यहां पे होता क्या, के बारे में दो फैक्ट और बता था। कल मैंने आपको बताया था कि ये नाइनटीन ये नाइन में बना था ये बताया था मैंने कल आपको मैंने बताया था कि जी के इनिशिएटिव में बना था ये भी बताया था कल मैंने आपको बताया था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया था स्टार्टिंग में और 2001 में इसके अंतर्गत एक और काम आ गया था जिसको हम बोलते हैं टेरर फाइनेंसिंग को रोकना इसमें एक चीज और ऐड कर लो दो दो पॉइंट और ऐड कर लो कि इंडिया को ऑब्जर्वर मेंबर बनाया गया था एफएटीएफ का 2006 में इंडिया बिकेम द ऑब्जर्वर मेंबर ऑफ एफएटीएफ इन 2006 एंड इंडिया बिकेम अ फुल टाइम मेंबर इन 2010 2010 में फुल टाइम में थर्टी फोर्थ कंट्री बनी थी इंडिया जो किसकी फुल टाइम मेंबर बनी थी FATF की तो अगर कभी यूपीएससी स्टेटमेंट पूछे कि इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ वो गलत हो जाएगा या पूछे इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ एफ इन नाइनटीन वो भी गलत हो जाएगा इंडिया इसका ऑब्जर्वर में दो हजार में और इसका फुल टाइम मेंबर बना दो में तो ये दो फैक्ट्स और आप ऐड कर लीजिएगा आगे मूव करते आसाम डाउटफुल सिटीजन गेट अ सेंटर टू लर्न देयर राइट्स तो आसाम में आपको मैंने ऑलरेडी एनआरसी के बारे में बताया था आसाम एनआरसी जो हुई थी उसमें डी वोटर्स नाम की कैटेगरी थी डी वोटर्स मतलब कि ड्यूबियस वोटर्स या फिर डाउटफुल वोटर्स अब आसाम में क्या क्या गया एक संविधान केंद्र नाम की जगह बनाई गई है है ना जिसमें इंटेलेक्चुअल्स बैठते हैं संविधान केंद्र तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर या संविधान केंद्र अभी कहाँ पे बनाया गया है डी वोटर्स कैटेगरी के, के लिए तो आसाम में बनाया गया ठीक है ना तो ये भी एक न्यूज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था दैट इज इंपॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है यू कैन मूव विद मी संडे का दिन है है ना न्यूज न्यूज़ बहुत अच्छी अच्छी आती है संडे के दिन तो पहले जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग थी तो मुझे लगता था कि संडे के दिन अच्छे न्यूज़ नहीं आते हैं लेकिन संडे के दिन मुझे लगता है सबसे अच्छे न्यूज़ आइटम्स आते हैं जो न्यूज़ आइटम्स है स्पेसिफिकली जो आपके प्रमिल्म से मदद कर सकते हैं वो एक्चुअली में इसी दिन आते हैं ठीक है ना आगे मूव करते हैं देखते हैं आप भी मेरे साथ मूव करिए एक्सपर्ट सजेस्ट अ वे टू रिड्यूस पे सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री है है ना और उसने बेसिकली कुछ सजेशंस दिए हैं फॉर रिड्यूसिंग द एक्सीडेंट्स ड्यू टू बर्ड्स जो बर्ड्स के

डिस्करेजिंग पीपल फ्राम डंपिंग वेस्ट नियर द एयरपोर्ट आप वेस्ट नहीं डालेंगे तो भी तो ही अच्छा रहेगा तो यह तीन चीजें हैंबिटाइट मैनेजमेंट ऑफ द बर्ड्स दूसरा प्रिवेंशन ऑफ ब्रीडिंग इन साइड द एयरपोर्ट एंड डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम डंपिंग वेस्ट नियर द एयरपोर्ट एंड एयरफील्ड्स ये तीन चीजें दी गई है अगली जो न्यूज है वह आसाम थ्रोज लाइफ लाइन टू तो इट्स ओनली रामसर साइट अब आसाम की एकमात्र जो रामसर साइट है वो कौन सी बिल याद रखेगा द नेम ऑफ द ओनली रामसर साइट इन आसाम इज दीपोर बिल दीपोर बील जो वेटलैंड है उसको बचाने के लिए अब असम ने क्या किया है कि इट हैज बैंड कम्युनिटी फिशिंग देयर दीपोर बिल में कम्युनिटी फिशिंग को बैन किया है असम ने टू प्रोटेक्ट इट्स ओनली रामसर साइट रामसर आप सबको पता होगा कि वेटलैंड के रिगार्डिंग कन्वेंशन हुआ था कब हुआ था नाइनटीन में हुआ था और ये रामसर जो है वो सिटी है ईरान में इट इज सिटी इन ईरान ईरान में ये सिटी है रामसर 1971 सेवनटी वन सेकेंड फेबर को हुआ था इसी कारण से सेकंड फेबर को वेटलैंड डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है जो वेटलैंड डे होता है वो सेकंड फेबर को इसीलिए आता है क्योंकि ये रामसर कन्वेंशन इसी डेट को हुआ था अब वहां पे आ, फिशिंग को जो है कम्युनिटी फिशिंग को बैन कर दिया गया अंडर सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी ठीक है ना एंड uh, इसको इलीगल अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू भी बना दिया गया तो याद रखेगा दीपोर व्हील को डेजिग्नेट किया गया था रामसर साइड इन टू थाउजेंड टू फॉर सस्टेनिंग रेंज ऑफ एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स बिसाइड टू हंड्रेड एंड नाइनटीन स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पे दो सौ उन्नीस स्पीशीज बर्ड्स की भी हैं और एक्वेटिक स्पीशीज भी हैं दीपोर व्हील को दो हजार दो में रामसर साइड बनाया गया था ये आप याद रखेगा कि दो हजार दो में इसको रामसर साइट बनाया गया था ठीक है ना आगे मूव करते हैं ईरान प्लान्स टू एनरिच अप टू ट्वेंटी आई ए ने बताया देखो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कन्वेंशन है एसोसिएशन है एजेंसी है सॉरी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका हेडक्वार्टर कहां पर है इसका हेडक्वार्टर है वियना में है ना वियना में है और इसने कहा है कि ईरान जो है वो ट्वेंटी तक अपने यहाँ के जो न्यूक्लियर है उसको यूरेनियम से एनरिच करना चाहता है विच इज वे दियनाकॉर्ड द वियना अकॉर्ड टू ऑफ हजार पंद्रह तरह के वियना अकॉर्ड से काफी ज्यादा है तो देखो तो तो वियना एग्रीमेंट में देखो तो लिखा है कि 3.67% तक परसेंट तक ही एनरिचमेंट कर सकता है ये 3.67% परसेंट तक ही एनरिचमेंट हो सकता है लेकिन नाउ द व्हाट दे आर डूइंग इज 20% एनरिचमेंट वैसे ये वेपन ग्रेड नहीं होता वेपन ग्रेड के लिए 90% एनरिचमेंट तक करना पड़ता है ये वेपन ग्रेड नहीं होता है ठीक है ना तो याद रखिएगा लेकिन आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिसका उनको डिस्कस करना है यू कैन मूव विद मी साइंस पेज में आते हैं एक न्यूज है वूली राइनो फ्रॉम आइस एज फाउंड इन रशिया तो वूली राइनो जो है वो आइस एज का एक एनिमल है और उसके उसका एक बेसिकली कहना चाहिए कि एक आपका आ, जो प्रिजर्व करके रखा हुआ है परमाफ्रॉस्ट में प्रिजर्व था उसका जो क्या बोलते हैं इंग्लिश में तो मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा है उसका कंकाल या जो भी आप हाँ बोलो वो पूरा प्रिजर्व करके रखा हुआ है उसके रिमेन्स देर दे आर इंटैक्ट एंड उसके कुछ ऑर्गन्स भी इंटैक्ट हैं ठीक है ना तो आइस एज का जो वूली राइनो था इट हैज़ बीन फाउंड इन द रशियन रीजन इसको याद रखिएगा रशियन रीजन में ये मिला है ठीक है ना और याकूतिया में ये मिला है द नेम इज याकूतिया परमाफ्रॉस्ट क्या होता है जो परमानेंटली परमानेंटली जो बर्फ जमी रहती है उस रीजन को परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं ठीक है ना अ न्यू मेजर दैट कैन वेदर अ सिटी इज़ प्रोन टू रेन और टाइड बेस्ड फ्लडिंग अब एक आईआईटी बॉम्बे ने एक चीज बनाई जिसके थ्रू वो पता कर सकते हैं कि क्या कोई सिटी रेन या टाइड बेस्ड फ्लडिंग के लिए प्रोन है या नहीं तो एक्चुअली हुआ कहता है कि अभी सी फोर्टी सिटीज रिपोर्ट आई थी 2018 में सी फोर्टी सिटीज रिपोर्ट उसमें ये बोला कि 2050 तक 570 लो लाइंग कोस्टल सिटीज विल फेस अ सी लेवल राइज बाय 0.5 मीटर जिससे कि लगभग 800 मिलियन पीपल विल बी एट द रिस्क है ना 800 मिलियन पीपल विल बी एट द रिस्क ऑफ फ्लडिंग एंड ऑल तो C40 सिटीज रिपोर्ट आई थी 2018 में जिसने की बोला कि 2050 तक 570 लो लाइंग जो कैपिटल कोस्टल सिटीज हैं वहां पर सी लेवल राइज होगा और आठ मिलियन लोगों की जो जान है वो थोड़ा खतरे में चली जाएगी ठीक है अब देखो यहां पे आईआईटी बॉम्बे ने एक नई चीज बनाई है क्या बनाई है दे हैव डिवाइज न्यू मेट्रिक और मेजर जिसको हम बोलते हैं टाइड रेनफॉल फ्लड कोशंट याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं टाइड रेनफॉल फ्लड कोशन दिस टाइड रेनफॉर फ्लड कोशन जो है इट इज इंपॉर्टेंट एंड इसके थ्रू वो पता लगा सकते हैं क्या कोई सिटी टाइड बेस्ड रेनफॉल बेस्ड इसकी बेस्ड फ्लडिंग के लिए प्रोन है या नहीं तो ये आपको याद रखना है ठीक है ना तो दैट इज द थिंग विच बीन डेवलप्ड बाय द आई बॉम्बे आगे मूव करते हैं रॉकी रोड फॉर द बैंकिंग सेक्टर इन 2021 मैंने आपको बताया कि ट्रेंड्स की रिपोर्ट निकाली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिसमें उन्होंने कहा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर फॉलिंग देखो 7.5 परसेंट तक गिर गया है ठीक है ना अब इसका देखो दो रीज़न है एक रीज़न तो ये है कि जो रेजोल्यूशन थे आईबीसी के थ्रू यानी कि इन इन, इन, इन बैंक करपसी कोड जिसमें कि अगर कंपनी बैंक हो गई है या इंसॉल्वेंट हो गया कोई इंडिविजुअल तो उसको फिर हमन क्या करते थे तो उनसे पैसे निकलवा लेते थे तो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर हमको देखने को मिला है आईबीसी के कारण कई का सारा एनपीए घटा है दूसरी चीज जो उन्होंने बोला है देखो कि 2018 के टाइम के पहले बहुत ज्यादा एनपीए था मतलब 11.5 के आसपास था जो अभी परसेंट है वो 11.5 परसेंट था उस समय इंडिया के पास एक ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम थी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या थी एक तो बैंकिंग सेक्टर जो था उसमें एनपीए की समस्या थी और दूसरा आपका जो कारपोरेट था उसकी बैलेंस शीट बहुत ज्यादा स्ट्रेन थी कॉर्पोरेट डेट्स बहुत ज्यादा थे उनकी बैलेंस शीट भी स्ट्रेन थी और बैंकिंग की बैलेंस शीट भी स्ट्रेन थी जिसको हम बोलते तो हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम दैट दिस नोन एज द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम ठीक है ना इसके अलावा आप आप देखिए कि इसके बाद फिर इंसॉल्वेंसी इन बैंक कोड बनाया गया अब ऑथर का देखो ये कहना है ऑथर का कहना ये है कि जब तक पूरा पेंडेमिक ओवर नहीं हो जाता तब तक हम एग्जैक्ट इंपैक्ट नहीं बता सकते कि कितना है कि कि मतलब अभी देखो जो नंबर्स 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 हैं कैन कैन एज एज वेल वेल तो वही है कि जब तक तक बाढ़ का पानी नहीं नहीं हट जाता तब तक ये पता नहीं चलता कि किसके किसके तन से कपड़े हट गए हैं ठीक है ना तो जब तक वो पानी नहीं हटेगा तब तक समझ ही नहीं आएगा कि किसके किसके तन से कपड़े हटे हैं तो यही ऑथर ने वो बोला कि द डेटा ऑन द नॉन परफॉर्मिंग ऑफ द बैंक्स आर येट टू रिफ्लेक्ट द स्ट्रेस Obscured under the asset अंडर द एसेट क्वालिटी स्टेबिलिटी इम्प्लीकेशन मतलब कि अभी भी उनका जो इम्पैक्ट है यानी कि जो स्ट्रेस है वो अभी आया ही नहीं एक्चुअली में कोविड नाइन्टीन के बाद वो अभी आएगा है ना इसलिए नंबर्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए ऑथर ने अब देखो ये कहा कि बैलेंस शीट स्ट्रेन को खत्म करना अगर आपको तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको एडिकुएट कैपिटल इन्फ्यूजन करते रहना चाहिए कैपिटल इन्फ्यूजन टू द बैंक कैपिटल इनफ्यूजन टू द बैंक्स मतलब पैसा जो है बैंक्स के पास जाता नहीं गवर्नमेंट ने भी सत्तर हज़ार करोड़ दिए थे पहले बीच में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तो बेसिकली ये कैपिटल इन्फ्यूज़न चलते रहना चाहिए क्रेडिट ग्रोथ हो और उनके पैसे में रिकवरी भी हो है ना बैंक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर बैंक्स की विलिंगनेस नहीं है लेंड करने के लिए देखो अगर बैंक्स पैसा देना बंद कर देंगे तो कॉर्पोरेट्स कोई भी इन्वेस्टमेंट कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे है ना तो कई बार ऐसा होता है कि एनपीए की समस्या कारण बैंक्स को लगता है कि चलो यार गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगा देते हैं रादर देन गिविंग इट टू द कॉरपोरेट्स एंड दैट इज रॉन्ग फॉर द इकोनॉमी वो इकॉनमी के लिए गलत होता है एक्चुअली में ये चीज़ क्यों गलत होता है इकॉनमी के लिए क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि इकोनमी में जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है कॉर्पोरेट्स की वो घट जाती है एंड दे आर नॉट एबल टू टेक द रिस्क एंड ऑल तो इसीलिए ऑथर ने बोला है कि अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आने वाली है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही निकालता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड वो पहले रिलीज हो जानी चाहिए थी लेकिन अभी क्या है एक्चुअली कोविड नाइन्टीन सबको देखते हैं उसको भी रिलीज नहीं किया गया सो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर ठीक है ब्रेगजिट मैं मुझे पता है ब्रेग्जिट वहाँ पे है लेकिन ब्रेग्जिट मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है अगेन द सेम थिंग इज देयर बस उसमें एक दो फैक्ट अगर हो तो मैं आपको बता देता हूँ जो कुछ थोड़ा सा देख देख के मैं बताता हूँ नाउ ब्रेगजिट में आपको भी ये तो पता होने कि यूके जो है वो यूरोपियन जितने भी कोर्ट ऑफ जस्टिस था या यूरोपियन यूनियन का जो लॉ था उससे बाहर आ गया है ठीक है ना ब्रिटेन हैज केम आउट ऑफ दैट ठीक है ना दूसरी चीज अब यूके अपने बॉर्डर्स पे वो कर सकता है टैक्सेस ले सकता है ये सारी चीजें कर सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए फिशिंग का मैंने आपको बताया है कि मतलब क्वार्टर ऑफ द फिशिंग जो था वो यू जो है जो ब्रिटिश वाटर्स में करेगा वो किसको देगा ब्रिटेन को देगा क्वार्टर ऑफ द फिशिंग और कब तक के लिए देगा साढ़े पांच साल के लिए देगा उसके बाद क्या होगा साढ़े पांच साल के बाद

पर यही लिख देना कि नदरलैंडलैंड इज स्टिल अंडर ईयू जूरिस्टिक्शन तो आप वहां से क्या हो जाएगा आपको डाउट हो जाएगा इसलिए याद रखना कि लाग 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 विल कंटिन्यू टू रिमेन विद इन ईयू जूरिस्टिक्शन अवॉइडिंग हार्डनिंग ऑफ इट्स बॉर्डर विद रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ठीक है ना इसको याद रखेगा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना और डील uh, होने से फायदा यह हुआ कि उनकी इकोनमी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा ब्रिटेन की अदरवाइज बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स ओवरऑल यही था आज की न्यूज एन आलिस आई होप यू लाइक अर वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीप लविंग एस कीप शेयरिंग एस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे